हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं? राहुल गांधी थगला, राहुल गांधी सिग्मा रूल है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी इस वीडियो की। देखते हैं राहुल गांधी की थग लाइफ कैसे होती है। मैं तो राहुल गांधी को क्यूट कहता हूँ क्योंकि बहुत ही मतलब की मासूम लगते हैं मुझे। चले वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या देखने को मिलता है हमें। हियर वी गो। This video is general for entertainment purpose. ये कौन है? आजकल एक व्यक्ति है जो पूरे हिंदुस्तान में गुजरात की बात करते हैं। ओह कौन? गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं। हमारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहाँ तुम आलू उगाओगे, हमें मशीन लगाऊंगा इनको आलू, और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। ओके, वहाँ से ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। जेब में था। कोका कोला कंपनी का नाम सुना? ओके, यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? सबने सुना है। अब आप मुझे बताओ कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये ना बोलना जूस वाला। कोई जानता है? नहीं। मैं आपको बताता हूँ कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। क्यों? वाई? फोर्ड कंपनी का नाम सुना है? मर्सिडीज कंपनी का नाम सुना है? होंडा कंपनी का नाम सुना है? इन तीन कंपनियों को किसने चालू किया, किसने शुरू किया? कौन था वो? मैकेनिक था, मैकेनिक। अब तो सच बोल दे। मैकेनिक था, मैकेनिक। राहुल जी सही बोल रहे हैं, गलत है राहुल जी। मासूम इससे तो बोलता हूँ मैं यार। लोकसभा में 15 मिनट हमें भाषण देने का टाइम नहीं है। 15 मिनट टाइम दे दे तो खड़े नहीं हो पाएंगे लोकसभा। स्पीकर मैडम, ये ले भाई बात। 15 मिनट मिल गए। सॉरी 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 चेयरमैन सर। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ, मैं गलतियाँ करता हूँ। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम किया बेटा खड़ा किया पिल्लर। एक दो चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बदलाव की बात आपने कही, इसमें सीरियस है। नियम और कानून की बात मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी एक ऐसा संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, मगर इसमें नियम और कानून नहीं चलते हैं। शायद एक भी नियम और कानून इस पार्टी में नहीं। अपनी पार्टी हम हर 2 मिनट नए नियम बनाते हैं, पुराने नियम को दबा देते हैं। और यहाँ शायद किसी को भी नहीं मालूम कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। जी यार क्या कर रहे हो आप यार? Make me prime minister, he says. Make me the चौकीदार। हैं? Make me the चौकीदार। Don't make me prime minister, he says. Make me the चौकीदार। He says he took the vote from the people of India and became the चौकीदार of Mr. Anil Ambani. He took 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. He's never made up an aircraft in his life. Then what do we do? He has never made an aircraft in his entire life. But he's given the world's biggest defense contract. And then in every speech, the Prime Minister speaks of corruption. Prime Minister. In every speech, he speaks about corruption. क्या ट्रांसलेटर मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है. What? यार बाय बाय यार. अपने आप को क्या बोल रहे हैं. So funny यार. राहुल गांधी जी यार बहुत funny person. राहुल गांधी को कोई मतलब की स्क्रिप्ट लिख के दिया करो. ऐसे बोलने नहीं दिया करो उनको. कुछ भी बोल देते हैं यार. मजा यार. मुझे स्वीट लगते हैं जो भी हो. स्वीट तो लगते हैं मतलब ऐसी ना ऐसे लोगों मतलब कि स्वीट लोगों में ही ऐसी बातें आती है. इतना मासूम होता है कुछ भी बोल देते हैं. और आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको राहुल गांधी कैसे लगते हैं. मुझे तो बहुत ही कमाल के लगते हैं. बस थोड़े इधर उधर निकल जाते हैं कभी कभी लेकिन सही है. तो आप कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन. तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए.